तोड़ मरोड़ एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। आज सुबह तड़के इंदौर अहमदाबाद फोर लेन पर एक बार फिर भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में सरदारपुर के दो तथा राजगढ़ के एक युवक की दर्दनाक मौत हुई है। मृतकों में एक सरदारपुर नगर परिषद का पार्षद भी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इंदौर अहमदाबाद फोर लेन पर सरदारपुर की भोपावर चौकड़ी पर स्पीड ब्रेकर आज सुबह करीब 3:30 बजे कार आगे से चल रहे ट्रॉला में पीछे से जा घुसी। हादसे की सूचना मिलते ही SDOP रामसिंह मेड़ा एवं TI प्रदीप खन्ना पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची तथा मृतकों के शवों को निकाला गया। इस हादसे में सरदारपुर निवासी वार्ड क्रमांक 7 पार्षद प्रथा पिता गोपाल गर्ग उम्र 27 वर्ष तथा अक्षय पिता अतुल त्रिवेदी उम्र 27 वर्ष, राजगढ़ के दलपुरा निवासी संदीप पिता शंकरलाल राठौर उम्र 28 वर्ष की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरदारपुर ले जाया गया है, जहां तीनों का शव परीक्षण के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए जाएंगे। इधर घटना के बाद से ट्रॉला चालक फरार है। पुलिस ने वाहन जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है। एक सप्ताह में दूसरा हादसा, दरअसल पिछले सोमवार की रात्रि में भी इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर भेरू चौकी के निकट सड़क पर बिखरे गेहूं को समेट रहे 4 किसानों को तेज रफ्तार आयशर वाहन ने चपेट में ले लिया था, जिससे चारों की मौत मौके पर हो गई थी। इस हादसे को अभी एक सप्ताह भी नहीं हुआ था कि फिर तीनों लोगों की मौत हो गई। SDOP ने बताया कि धार की ओर से जा रहे ट्राले में कार सवार पीछे से जा घुसा। इसी हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। JCB और 100 की मदद से तीनों के शव को बाहर निकाला गया। भोपाल चौकड़ी पे सर जो एक्सीडेंट हुआ, क्या वाक्य था सर? ये रात 3:30 बजे की घटना है। हमारी पुलिस वहाँ पे डायल 100 की खड़ी थी। उन्होंने देखा कि एक ट्रक धार तरफ से आ रही थी और उसके पीछे एक कार आ रही थी। कार अनबैलेंस होके उसमें गाड़ी में पीछे से घुस गई। तत्काल पुलिस ने थाने में खबर की। हम लोग, मैं और PI साहब पुलिस बल के साथ गए। वहाँ पे देखा तो पता लगा कि प्रथम पिता गोपाल गर्ग निवासी सरदारपुर, उसका दोस्त अक्षय पिता अतुल त्रिवेदी और तीसरा उसका दोस्त संदीप पिता शंकर राठौर निवासी राजगढ़, इन तीनों की डेथ हो चुकी थी। उनको पुलिस ने हाइड्रा बुला के और JCB बुला के उसको गाड़ी को निकाला बाहर और तीनों डेड बॉडी को हॉस्पिटल भेजा गया है PM के लिए। वो पुलिस इसकी मर्ग कायम कर जांच कर रही है। ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। वो ट्रक में कुछ पाउडर जैसा भरा है, हैवी लोडेड था वो, जिसको जब्त कर लिया।